नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल हेल्पिंग कैशो चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इस चैनल पे आपको जो भी जानकारी मिलेगी वो 100% सही जानकारी मिलेगी। आपको कोई गलत जानकारी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। दोस्तों, बताना मैं चाहूँगा आपको कि बेल्ट्रॉन द्वारा एक और नया नोटिस निकाला गया है। ये नोटिस दोस्तों आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेल्ट्रॉन गूगल ब्राउज़र में जाके बेल्ट्रॉन लिख लीजिएगा और बेल्ट्रॉन की साइट से आप बहुत इजी वे में इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ में दोस्तों मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरे स्क्रीन पे पूरा देख लेंगे तो आप खुद से भी सीख सकते हैं कैसे ये लेटर आप डाउनलोड करेंगे। दोस्तों, ये एक अच्छी बात है कि जो भी हमारे पहले वाले कैंडिडेट जिनका KYC नहीं हुआ या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या बहुत तरह की जो दिक्कतें परेशानी है जिनका अभी तक सही नहीं हुआ है, उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। और दोस्तों, मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि ये यहाँ तक तो ठीक है, बेल्ट्रॉन ने अपना काम किया, लेकिन दोस्तों जो पहले से 2 साल से बैठे हुए जिनका सब चीज़ डन है, आप लेटर पे लेटर इशू करते जा रहे हैं, कभी LRC इशू करता है तो कभी कोई डिपार्टमेंट मतलब इशू पे इशू कर रहा है, कभी कार्यपालक कहते हैं कि अब डबल सीट होगा पंचायत में, ये सिर्फ दोस्तों पेपर पे ही क्यों? अब हम लोग का ज्वाइनिंग कब होगा ऐसा कोई अभी तक पता ही नहीं चल रहा है। दोस्तों, इसमें जब तक हम एक साथ नहीं होंगे तब तक कोई संभावना ही नहीं है कि हम लोग का ज्वाइनिंग भी होगा। मैंने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है, हमारे जो भी ग्रुप एडमिन है इस पर निर्णय लें कि क्या करना चाहिए। नहीं तो दोस्तों हमें इसी तरह से बैठे रहना और बेल्ट्रॉन अपना काम तो करता ही रहेगा, कभी ना कभी कोई एक एक लेटर इशू करता ही रहेगा और बोलेगा कि हम तो काम कर ही रहे हैं। दोस्तों, इस लेटर में जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें दोस्तों जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, IT बॉयज गर्ल, ये सभी के लिए हैं जिनका अनुरोध शिकायत जो भी जिस प्रकार का भी होगा, जैसे नाम में करेक्शन हो गया या उनका ये KYC डन नहीं हुआ है, किसी भी तरह की कोई भी शिकायत अगर होगी तो दोस्तों इसके लिए एक मतलब 3 जन का गठन किया गया है, 3 आदमी का। उसमें सबसे पहले श्रीमती संजीवनी प्रबंधक हैं, जो अभ्यर्थी जिनका नाम A से G तक है, अंग्रेजी के बड़े माने अंग्रेजी का A से G तक, वो जो हैं श्रीमती संजीवनी प्रबंधक से वो बात करके अपनी शिकायत का समाधान करेंगे। उसके बाद जिनका H से R तक हैं वो श्री सुजीत कुमार से बात करेंगे, और जिनका S से Z तक है वो श्री कैलाशपति मिश्रा से बात करके अपनी जो भी परेशानी है वो शॉर्ट आउट करवाएंगे। इसमें दोस्तों प्रत्येक कार्य दिवस के दिन 9:30 से 11 बजे तक इस बीच में आप अपना फ़ोन के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो चालू होने वाली परियोजना है, मतलब ये जो गठन किया गया, ये स्टार्ट होगी 16 अगस्त 2021 से ये चालू हो जाएगी। उसमें आप जो इसमें मतलब 3 जो कर्मी नियुक्त किए गए हैं वो GM और प्रभारी मानव संसाधन के जो होंगे वो उस पर विचार भी करेंगे, देखेंगे भी कि कहाँ तक प्रॉब्लम जो भी इशू रिजोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों, हो सकता है ये लेटर आप तक पहुंच गया हो, लेकिन कुछ ऐसे और हमारे दोस्त होंगे जिन तक ये लेटर नहीं पहुंच पाया हो और वो YouTube से ही जानकारी लेते हों, तो ये जानकारी उनके लिए भी ज़रूर आप देखें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें ताकि और तक भी ये जानकारी पहुँच सके। जिनकी भी समस्या, जो भी समस्या, वो अपनी समस्या का निरादर कर सके, शॉर्ट आउट कर सके। साथ में दोस्तों एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी ग्रुप एडमिन से, आप ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ अपने स्तर से विचार विमर्श करिए, निर्णय लीजिए, हम आपके साथ हैं दोस्तों। और ये चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और तक ये जानकारी बहुत आसानी से पहुंच जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।